यहाँ पर अभी अमरनाथ शुरू होने वाली है जुलाई के महीने से, एंड ऑफ जून से। तो ऑलरेडी जो आउटसाइड वैली स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने टिकटें भी बेच दी हैं और उन्होंने अपने पैकेजेस भी बेच दिए हैं, जबकि हमें अभी इसके बारे में कोई पता नहीं है। अब एक और जो अलमिया है हमारे इसका, वो अभी हमें जो लेटर एक हमें श्राइन बोर्ड की तरफ से आई है, उसमें जितने भी यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जिनको वो टिकट्स की, आप हमें अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स दिखा दीजिए, आप हमें ये बता दीजिए कि आपके पास कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है पेंडिंग किसी थाने में या किसी कोर्ट ऑफ लॉ में। तो दीज टाइप्स हमें लग रहा है कि हमें डिरेल किया जा रहा है, हमें अलग किया जा रहा है एक मुनज्जम तरीके से। जो यहाँ के कश्मीर वैली बेस्ड स्टेक होल्डर्स हैं, यहाँ के जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, उनको किसी न किसी बहाने से इनसे ये छीन लिया जाता है कि चाहे वो, क्योंकि ऐसे कुछ है तो आज तक हमें कहा नहीं गया। अगर हमारे इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं, इसकी एक अलग एजेंसी है जिनको हमें देना है ये। हम वी आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म विच इज़ अवर नोडल एजेंसी, जिनके साथ हम रजिस्टर्ड हैं। और बाय वर्चू ऑफ इतने सालों से हम श्राइन बोर्ड के साथ टिकट्स लेते हैं, बाय वर्चू ऑफ दैट वी आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद श्राइन बोर्ड। और हमें एवरी नाउ एंड देन हमें कहा जा रहा है अब ये सर्टिफिकेट आप दे दीजिए, वो सर्टिफिकेट दे दीजिए, और नतीजा यही निकल रहा है कि यहाँ जितने भी हमारे टूर ऑपरेटर ट्रैवल एजेंट हैं वो बहुत ही दिल बर्दाश्ता हो गए हैं। तो ये नतीजा, हम इस नतीजे पे पहुँचे, हम अगर ऐसा ही इनका व्यवहार रहा विज़ टू आवर ट्रेड हियर, तो हम इनके जो जितने भी टिकट्स ये हमें दे रहे हैं, वी हैव नो अदर ऑल्टरनेटिव बट टू सरेंडर दोज कोटाज टू द श्राइन बोर्ड। हम चाहते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, जिनको ये प्लीज करना चाहते हैं आउटसाइड वैली, उनके साथ ये अपना रबता रखे, कायम रखे। तो ये है इसका जो आज की मीटिंग का मफहूम है।